हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ सब्स्ट्रैक्शन। सब्स्ट्रैक्शन हम करेंगे यूजिंग द नंबर स्ट्रिप। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था एडिशन की नंबर स्ट्रिप की ट्रिक। आज हम सीखेंगे सब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या नंबर है? 8 माइनस 5। 8 को 8 में से 5 हमको सब्स्ट्रैक्ट करने हैं। ठीक है, 8 माइनस 5, तो हमें इसमें क्या, एडिशन में हमने क्या किया था, फॉरवर्ड लेना था। इसमें क्या करना है, 5 स्टेप बैकवर्ड लेना है। 8 है तो 8 किधर है, इधर है। ठीक है, अभी हमें 5 स्टेप बैकवर्ड करने हैं। क्या करने हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करनी है। 8 ऐसे 1 2 3 4 एंड 5। क्या हुआ आंसर हमारा, आंसर क्या हुआ बैकवर्ड लेके, 3। तो इधर हम लिखेंगे 3। 8 माइनस 5 इज आंसर इज 3। 5 माइनस 3, 5 किधर है, इधर है। 5 माइनस 3 हम बैकवर्ड लेंगे, 1 2 एंड 3, आंसर इज 2। ओके, अभी है 16 माइनस 3, तो इसमें हम इसको और इसको माइनस करेंगे। 6 माइनस 3, इधर 6 है तो हम इसको माइनस करेंगे 3। 1 2 एंड 3, आंसर इज 3 एंड 1। 17 माइनस 4 7 7 माइनस 4 1 2 3 4 1 एंड 3, आंसर इज 13। सो देखा ना, ये कितना सिंपल है। इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं नंबर स्ट्रिप की मदद से। और इधर मैंने सिर्फ 0 से 10 तक का डिजिट लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप 20 तक का डिजिट भी ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही स्मॉल है तो आसानी होगी आपको करने में। अगर 2 डिजिट है तो इस तरह से मैंने जैसे 16 माइनस 3 किया तो 6 और 3 11 प्लेस को माइनस करके इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, छोटे बच्चों को आसानी से सब्ट्रैक्शन सीख सकते हैं। एक गेम का गेम भी हो जाता है और सब्ट्रैक्शन भी हो जाता है। ओके, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।